Hello everyone and welcome back to my channel Life with Priyanka. And मैंने first video में अपने ये बताया था कि मैंने 18 kg weight loss किया, लेकिन मैंने ये नहीं बताया था कि मैंने कितने से कितना loss किया है. ठीक है, तो मेरा जो past weight था वो था 76 और आज मेरा जो current weight है वो है 58 kg. ठीक है, तो मैंने 18 kg का weight loss किया है 3 months में. अब बात करते हैं खाने की. तो आज मैं आपके साथ सिर्फ कुछ टाइम, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगी, और सिर्फ इतना ही शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने पूरे थ्रू आउट द जर्नी क्या क्या खाया है एंड कैसे कैसे खाया है. तो मैंने अपनी थ्रू आउट जर्नी में एक चीज़ कोशिश की है कि मॉडरेशन एंड पोर्शन कंट्रोल करके मैं खाऊं. और मैं अपना मॉर्निंग स्टार्ट करती थी एम्प्टी स्टमक. मैं गुनगुना पानी लेती थी 1 से 1.5 ग्लास, जिसमें मैं आधा लेमन स्क्वीज करके सबसे पहले वो लेती थी. उसके बाद मैंने मिड में कुछ लिया नहीं. कभी अगर मुझे ऐसा लगता था मुझे ज़रूरत है तो मैं हाफ बनाना ले लेती थी और उसके बाद मैं अपना काम करती थी. करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके उठने और आपके ब्रेकफास्ट के बीच में ज़्यादा गैप है तो आप थोड़ा बहुत कुछ भिगोए हुए आमंड्स ले सकते हैं या फिर रीजन्स ले सकते हैं, तो आपको वॉलनट्स ले सकते हैं, जो भी आपको लेना हो आप ले सकते हैं. मैंने सिंपल हाफ बनाना ले लिया. देन उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट लेती थी. ब्रेकफास्ट में मैं सिर्फ घर का बना हुआ ताज़ा जो फ्रेश ब्रेकफास्ट रहता था वो मैं लेती थी. मैंने कोई भी पैक्ड फूड नहीं लिया है थ्रू आउट माई जर्नी. और उसमें पोहा उपमा जो भी घर पे मैं बनाती थी सिंपल वो मैं लेती थी. कम ऑयल यूज़ करती थी. एंड उसके बाद मेरा लंच रहता था. लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में कभी कभार ऐसा होता था कि मुझे भूख लग जाती थी तो मैं कभी कोई फ्रूट ले लेती थी या फिर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स खा लेती थी. उसके अलावा मैंने कभी कुछ खाया नहीं है. और कभी अगर ऐसा भी हुआ कि मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे क्रेविंग हो रही है कि नहीं मुझे कुछ मीठा खाना है, तो मैं कभी पीनट की चिक्की ले लेती थी या फिर राजगिरे की चिक्की वगैरह मैंने खा लिया तो मेरा उतना हो जाता था. देन मेरा ज़्यादा फोकस रहता था मेरे लंच पे. तो लंच में मैं एक रोटी, एक छोटी कटोरी दाल, सब्जी, दही, सैलड ये खाती थी. एंड उसके बाद मैं लंच और डिनर के बीच में इवनिंग के टाइम पे मैं अपनी एक कप चाय और उसके साथ मैं हल्का फुल्का सा कुछ इवनिंग स्नैक ले लेती थी. लाइक मैं गुड़ चना ले लेती थी, मुझे बहुत पर्सनली पसंद है, पीनट ले लेती थी या फिर खाखरा ले लेती थी. और या फिर कभी मुझे ऐसे मन किया तो 2 ब्राउन ब्रेड में थोड़ा सा बटर या फिर जैम लगा के मैंने वो ले लिया. तो इस तरीके से जो मेरे पास अवेलेबल रहता था मैं वो ले लेती थी. एंड उसके बाद मैं रात के डिनर में मैं मोस्टली कोशिश करती थी कि मैं एकदम हल्का लाइट डिनर करूं. और मैं 7:30 to 8 के बीच में मेरा लंच हो जाना चाहिए. उससे लेट मैंने थ्रू आउट द जर्नी कभी नहीं किया. मतलब मुझे बाय डिफॉल्ट 8 तक मेरा डिनर हो जाना चाहिए, यही मेरी कोशिश रहती थी. तो उसमें मैं कभी खिचड़ी लेती थी, कभी दाल राइस लेती थी, कभी ऐसा होता था कि मल्टीग्रेन दलिया ले लेती थी, कभी सिंपल दलिया ले लेती थी. तो जो मुझे लेना रहता था हल्का सा लाइट कम पोर्शन में खा लेती थी. और उसके बाद मैं खाने के बाद 2 घंटे के बाद मैं अपना मिल्क लेती थी, क्योंकि कोविड का टाइम है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहनी चाहिए. तो इसलिए मैं हल्दी वाला दूध प्रेफर करती हूँ रोज लेना. मैं स्किप नहीं करती हूँ. बाय डिफॉल्ट कभी कुछ रीज़न हुआ तो वो स्किप हो जाता है, नहीं तो मैं लेती हूँ. कोशिश करती हूँ कि एवरी डे मैं लूँ. और उससे क्या होता है कि मुझे कुछ अदर चीज़ें खाने की इच्छा भी नहीं होती, मेरा मन भी नहीं करता कि मैं कुछ और खाऊं. और इस तरीके से मैंने चेंज कर करके, लाइक आज मैंने ब्रेकफास्ट में ये खाया है, आज मैंने लंच में ये खाया है, तो आज मैं डिनर में ये खाया, तो मैं उसे कभी ऐसे चेंज नहीं करती थी. और नॉर्मल घर पर मैं रोज़ बनाती थी, उन्हीं सब चीज़ों को खाती थी. अपने लिए मैंने कोई भी फैंसी चीज़ नहीं बनाई है. तो अगर आप ये जानना चाहते हैं, अगर आपको ये लग रहा है कि मैंने ब्रेकफास्ट में क्या क्या ऑप्शंस लिए, लंच में क्या क्या लिया, डिनर में क्या क्या लिया, अगर आपको और जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो उसका मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी. साथ ही साथ आने वाले कुछ वीडियोस में मैं अपना वर्कआउट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या किया है. देन मैं जुम्बा और योगा जो जो भी मैंने किया है वो सारी चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करूंगी. और इसके अलावा व्हाट आई ईट इन अ डे भी मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँ कि मैं पूरे दिन में क्या खाती हूँ. अभी मैं वेट मेंटेन के मोड में हूँ, तो मैं अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं वापस फुल पहले की तरह से खाना मैंने स्टार्ट कर दिया. अभी मैं मेंटेन कर रही हूँ, अपने पसंद की चीज़ें भी खा रही हूँ लेकिन पोर्शन कंट्रोल करके. तो अगर आपको ये वीडियो लाइक अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि मुझे और क्या क्या बताना है आप लोगों को.
और किस तरीके के वीडियो आप लोग मुझसे चाहते हैं जिससे आप लोगों को हेल्प मिले। और मैं ये चाहती हूँ कि आप ही अपना वेट कम करें, जो आप तकलीफें फेस कर रहे हैं, जो आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं आपके वेट के कारण सोसाइटी में या कहीं पे या फिर हेल्थ वाइज, तो वो सारी चीज़ें कम हो, जैसे मेरी कम हुई हैं। तो आप मुझे बताइए, उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।